हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मैं चंदन कुमार सन बर्मा टेट 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग रामायण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं, 15 15 करके को दो हम लोग एपिसोड ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, ठीक है। और आगे हम लोग क्या करेंगे, 15 और क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन कोट हो जाए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थप जाता है जब आग लगी हो सीने में। चलिए और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। लक्ष्मण लक्ष्मण ने रावण की बहन का नाक और कान काट दिए थे, उनका नाम क्या था? बताइए क्या क्या काटे हुए थे? नाक भी काट दिए थे और कान भी काट दिए थे, ठीक। उनका नाम क्या था? सुरूप, सुपर्णखा। क्या नाम था? सुपर्णखा, ठीक। जो आपको ऑप्शन नंबर बी पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रानी केकई की दासी, रानी केकई की दासी का नाम क्या था जिसने राम को वनवास भेजने में अहम भूमिका निभाई थी? तो उनका नाम था मंथरा। क्या नाम था? मंथरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हनुमान जी ने सीता जी के को अशोक वाटिका में श्री राम की निशानी के रूप में कौन सी वस्तु भेंट दी थी? तो उनका नाम क्या है? मुद्रिका अंगूठी, ठीक। अपना वाला का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रभु श्री राम ने जिस शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था, उसका उस धनु का नाम बताइए क्या था? आप लोग कमेंट कीजिए। शिव जी का धनुष था। कौन जी का धनुष था? शिव जी का धनुष था। और नाम बोले तो उनका पिनाका था। क्या था? पिनाका। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या था बताइए? मकर ध्वज नाम था, ठीक है। क्या था? मकर ध्वज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। युद्ध के में लक्ष्मण जी किसके बाण लगने से मूर्छित हो गए थे बताइए? तो लक्ष्मण जी मूर्छित हुए होते मेघनाथ जी का बाण से, ठीक है। किनका नाम? मेघनाथ, इनके ही बाण से मूर्छित हुए थे। माता सीता के पिता जनक कहाँ के राजा थे बताइए? तो मिथिला के राजा थे। कहाँ के? मिथिला के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लंका नगरी में हनुमान जी को किस अस्त्र से बंदी बनाया गया था बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी के माता का नाम क्या था बताइए? अंजनी। क्या था? अंजनी। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम को वन में किसके किसके जूठे बैर खिलाए गए थे? तो सबरी का। युद्ध क्षेत्र में राम और लक्ष्मण का किस राक्षस ने सोते हुए हरण कर लिया था बताइए? युद्ध क्षेत्र में राम और लक्ष्मण का किस राक्षस ने सोते हुए हरण कर लिया था बताइए? अहिरावण। क्या नाम था? अहिरावण। रामचरितमानस की रचना किनके द्वारा किया गया था बताइए? तुलसीदास के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? रामचरितमानस, रामचरित्र मानस किनके द्वारा किया गया था, लिखा गया था? तो तुलसीदास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंभन रामायण किस भाषा में लिखा लिखा गया है बताइए? कंभन रामायण की बात करते हैं, ये कन्नड़ में लिखा गया है, ठीक। कंभन रामायण किस भाषा में है बोलिए? ये हमको कन्फर्म नहीं लग रहा है, शायद तमिल है। तमिल ही करेक्ट हुआ। भगवान श्री राम ने युद्ध से पहले कहां पर शिवलिंग की स्थापना किए हुए थे बताइए? तो हो जाएगा रामेश्वरम में। कहां पे? रामेश्वरम में। जो अभी कहां पड़ता है बताइए? तमिलनाडु में पड़ता है। लव और कुश ने अयोध्या द्वारा छोड़े गए किस यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था बताइए? अश्वमेध यज्ञ। इनमें से चलिए हम लोग इतना ही पर क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आगे जो 46 से आगे वाले जो क्वेश्चन है हम लोग का, उसको ये क्लास में हम लोग देख लेंगे, लास्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना ही पर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।